मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से समाज में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं एज ए जनरल सर्जन, एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एज ए लेजर सर्जन, एज ए इमरजेंसी सर्जन अपनी सेवाएं समाज में दे रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा एक बहुत कॉमन डिसीज़ के बारे में, और जो कॉमन के अलावा बहुत ख़तरनाक है, 100% जिसमें डेथ निश्चित है, और उस डिसीज़ का नाम है रेबीज़। प्राइम डिसीज़ के बाद सेकंड सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इन्फेक्शियस डिसीज़ का नाम है रेबीज़। और आज इसी रेबीज़ के बारे में आपसे बात करूँगा कि रेबीज़ में क्या सिम्टम्स होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 100% फेटल होती है। इसमें अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है रेबीज़ का तो मरीज़ का बचना नामुमकिन है। लेकिन सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि हमारे पास एक वैक्सीन अवेलेबल है जिससे कि 100% हम रेबीज़ होने से रोक सकते हैं। ज़्यादातर ये कुत्ता काटने से होती है, लेकिन इसके अलावा जितने भी वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं, जैसे बिल्ली है, बंदर है, हमारे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, फॉक्स है, पिग है, इन सभी जानवरों के काटने से भी ये हो सकती है। हिंदुस्तान में 99% केसेस में जो आदमियों में रेबीज़ होती है वो कुत्ता काटने से होती है। इसके बाद सेकंड नंबर पर बिल्ली और फिर बंदर आते हैं जिनके काटने से ये रेबीज़ होती है। अगर जो इन्फेक्टेड एनिमल है वो जब काटता है आदमी को, तब उससे रेबीज़ होती है। आज मैं आपसे बात करूँगा रेबीज़ इन डॉग्स कि रेबीज़ में डॉग्स कहाँ से आती है, रेबीज़ में डॉग्स में कहाँ से इन्फेक्शन आता है, उसको हम कैसे उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं कि कुत्ते को रेबीज़ है, हम कुत्तों में रेबीज़ होने से कैसे रोक सकते हैं, और कैसे उसका ट्रांसमिशन हम आदमियों में रोक सकते हैं। क्योंकि अगर हम उसका ट्रांसमिशन रोकने में सफल होंगे तभी हम रेबीज़ को हिंदुस्तान में रोक सकते हैं। सबसे ख़राब खबर है कि 60,000 लोग प्रतिवर्ष पूरी दुनिया में रेबीज़ से मरते हैं, और इसमें 36% से ज़्यादा जो पर्संस हैं वो खाली हिंदुस्तान में ही मरते हैं। तो हिंदुस्तान में अभी रेबीज़ के ऊपर बहुत सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। आपको याद है रेबीज़ को हमेशा हम हाइड्रोफोबिया से जोड़ते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी पीने का डर। जब मरीज़ को हम पानी पीने को देते हैं तो वो डर के मारे कांपने लगता है और पानी नहीं पीता है, पानी पीने से उसे डर लगता है। लेकिन कुत्तों में ये हाइड्रोफोबिया नहीं होता है, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट एग्जिस्टेंट इन डॉग्स। अब मैं आता हूँ सिम्टम्स पे, क्या लक्षण होते हैं। अगर जब रेबीज़ का नाम आता है तो हमारे सामने एक पागल कुत्ते की जो इमेज वो उभरती है कि एक पागल कुत्ता है सड़क पे या इधर उधर वो भाग रहा है, ज़बरदस्ती सबको काटे जा रहा है, उसके मुंह में से लार टपक रही है, फोम टपक रहा है, झाग निकल रहे हैं, और उसका पूरा जो मुंह है वो खुला हुआ है, और वो बहुत बेतरबीब इधर से उधर इधर से उधर भाग रहा है और उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। लेकिन सारे केसेस में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। जो एक रेबिट डॉग है वो बिल्कुल आपको प्रॉपरली नॉर्मल भी दिख सकता है। उसके हो सकता है कि उसके दांतों में झाग ना हो और उसके सलाइवा भी ना निकल रहा हो, थूक ना निकल रहा हो। तो इसलिए अपने दिमाग से ये इमेज निकाल दीजिए कि केवल एक पागल कुत्ते के काटने से ही होते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो सलाइवा है, थूक है एनिमल का, उसमें सिम्टम आने से पहले 4 दिन पहले वायरस आ जाता है। तो अगर 4 दिन पहले उसको, जिस समय कि कुत्ता बिल्कुल नॉर्मल है, उस समय उसके थूक में वायरस आ गया और उस समय वो किसी को काटेगा या उसका पंजा या दांत किसी को लग जाएगा, तो उसको भी रेबीज हो सकती है। हमेशा याद रखिए कि जो हर कुत्ता जो काटता है उसको रेबीज़ नहीं होती है, और हर रेबीज़ कुत्ता काटता नहीं है। अब आपको ये पूछेंगे कि रेबीज़ कुत्ते में आती कहाँ से है। किसी इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से ही रेबीज़ कुत्ते में पहुँचती है। ये रेबिट एनिमल या तो वाइल्ड एनिमल हो सकता है, या सड़क का स्ट्रे डॉग्स हो सकते हैं, या कोई आप बाहर निकले तो कोई फॉक्स है या बंदर है, जैकाल है, या और कोई जो एनिमल हो, अगर वो उसको काट लेगा तो उसके काटने से रेबीज़ के जो कीटाणु हैं वो हमारे कुत्ते के अंदर पहुँचेंगे। अब ये दो तरह की इसके लक्षण जनरली होते हैं। 80% जो कुत्ते होते हैं उनमें फ्यूरियस टाइप की होती है,
जिस पे फ्यूरियस माने जो डॉगी है बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, और 20% डम टाइप की होती है जिसमें कि कुत्ते को फालिज मार जाता है। जब डॉग में रेबीज के सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसके बाद 3-4 दिन के अंदर ही अंदर जो डॉग है उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए हम कम से कम 10 दिन का पीरियड लेके चलते हैं, ऑब्जर्वेशन पीरियड लेके चलते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि डॉग मर रहा है कि नहीं मर रहा है। अपने घर पे अगर डॉग है या आसपास तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर आपके घर से दूर है या स्ट्रे एनिमल है या जंगल वाइल्ड एनिमल है तो उसको आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं। तो चार दिन तो पीरियड वो हो गया जिसमें कि प्रेजेंट करता है, सिम्टम्स उसमें आते हैं, और थोड़ा सा ग्रेस पीरियड देते हैं, और कुल 10 दिन तक हम जो एनिमल है उसको करते हैं। ज़्यादातर कुत्तों के जो घर में रहते हैं उनको एंटी रेबीज वैक्सीन लगी होती है, लेकिन एंटी रेबीज जो वैक्सीन होती है कुत्तों में उसमें फेलियर्स भी हो सकती हैं। अगर जो वैक्सीन है वो ढंग से नहीं लगी हो, उसकी क्वालिटी ढंग की नहीं हो, या उसका जो रिपीटेड बूस्टर देते हैं वो नहीं लगा हो, तो इसलिए रेबीज वैक्सीन कुत्तों में लगवानी भी ज़रूरी है। और अगर हम घर पर कुत्ता रख रहे हैं तो हमको भी प्री एक्सपोजर वैक्सीन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो छोटे बच्चे होते हैं कुत्ते के, पपी, उनसे आपको बहुत स्पेशली बचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत इरिटेबल भी होते हैं, काटते भी ज़्यादा हैं, लिकिंग भी ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे कि ये तो पपी का नॉर्मल बिहेवियर है और उसने आपको काट दिया, तो आपको रेबीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी ये ध्यान रखिए, आप डॉग्स का वैक्सीनेशन करवा रहे हो तो अपने पपी का वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाएं। अब मैं आपसे बात करूंगा सिम्टम्स के बारे में कि डॉग्स को क्या लक्षण होते हैं। WHO के हिसाब से हम देखें तो मेन 5 लक्षण WHO ने बताए हैं। इसमें सबसे पहला है हाइपर सेलिवेशन, कि डॉग को बहुत ज़्यादा थूक आ जाता है, झाग आते रहते हैं, फोम आता रहता है। और जो दूसरा लक्षण है वो फालिज मारने का, उसके जो कुत्ते के जितने भी चारों टांगें होती हैं, शरीर होती है, उसकी मसल्स में फालिज मार जाता है और वो मसल्स में कमजोरी आ जाती है मांसपेशियों में, और वो ऐसे चलता है जैसे कि उसने शराब पी रखी हो। बहुत वो एक लेथार्जी हो जाता है, बहुत आलसी की तरह पड़ा रहता है, वो आँखें खोलने का भी उसका मन नहीं करता, वो कुछ खेलना भी नहीं चाहता है आपसे। उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, चौथा लक्षण है, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है, स्ट्रेंड हो जाती है, जैसे कि वो बहुत दम लगा के वो उसे भौंकना पड़ रहा हो या करना हो। और सबसे पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो लक्षण है जिसको हम जानते भी हैं, वो है अनप्रोवोक्ड एबनॉर्मल एग्रीगेशन, कि जो डॉगी होता है वो एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा काटने को तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा भौंकने को तैयार हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, और वो बिना प्रवोक किए हुए आदमियों पे और घर के मेंबर्स पे सब पर आक्रमण कर देता है। तो जो रेबीज होती है डॉग्स में वो दो तरह की होती है, दो तरह से प्रेजेंट करती है। 80% जो रेबीज होती है वो फ्यूरियस टाइप होती है, फ्यूरियस मतलब एग्रेसिव, जो भयानक टाइप की होती है। और जो 20% प्रेजेंटेशन होता है वो डम टाइप का होता है, जिसमें कि जो डॉग है वो सुस्त पड़ जाता है। जो फ्यूरियस टाइप की होती है वो 80% डॉगों में पाई जाती है। जो डॉग होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, वो एक जगह पर नहीं बैठता है, जगह जगह वो चलता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, उसके मुँह में जो भी उसके पास आसपास जो भी चीज़ आती है उसको वो मुँह में डाल लेता है। जैसा मैंने आपको बताया कि डॉग की जो वॉइस होती है, जो भौंकना होता है, वो उसका चेंज हो जाता है, स्ट्रेंड हो जाता है, और उसकी आवाज़ ऐसा लगता है जैसे बैठ रही है या उसको बहुत ताकत लगानी पड़ रही है भौंकने के लिए। जो उसकी मसल्स होती है उसमें ट्विचिंग होनी शुरू होती है, मसल्स भड़कनी शुरू हो जाती है, जिसको आप देख भी सकते हैं। उसको सीजर्स आ सकते हैं, दिमाग में झटके आ सकते हैं, मिर्गी का जैसे दौरा पड़ता है उस तरह के आ सकते हैं, और वो आपको, घर के सदस्यों को, या वो और दूसरे लोगों को, दूसरे जानवरों को बिना प्रवोक किए भी काट सकता है। तो ऐसा कोई भी अगर सिम्टम आए, आपको लग रहा है कि आपके घर में जो डॉग है उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, एटीट्यूड चेंज हो रहा है, तो आपको तुरंत ही सावधान हो जाना चाहिए। जो बाकी दूसरी तरह की रेबीज होती है वो 20% डॉग्स में मिलती है, वो पैरालिटिक टाइप की होती है और डम टाइप की होती है, जिसमें कि जो जितनी भी मसल्स होती हैं उनमें फालिज का असर मारता जाता है। जो डॉगी होता है वो अच्छी तरह से चल नहीं पाता है, लड़खड़ाता है, वो चलता है जैसे आपको लगेगा कि डॉगी ने शराब पी ली है, और वो एक ही जगह पर पड़ा रहता है, उसका खेलने का मन नहीं करता है, स्लीपी रहता है जैसे नींद आ गई हो, और बहुत कमज़ोर हो जाता है।
उसकी जो टंग की जो मसल्स होती हैं वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, लेथार्ज हो जाती है, तो टंग बाहर आके बाहर निकल जाती है, और जो उसकी निचले जबड़े की मसल्स होती हैं वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और जबड़ा भी नीचे गिर जाता है। और चूँकि जो रेबीज के जो वायरस हैं वो उसकी सिलेवरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं, थूक में खूब बहुत ज़बरदस्त थूक निकलने लगता है, और जो ये थूक होता है ये इसके संग झाग भी आते हैं, और ये झाग वायरस के कीटाणुओं से, रेबीज के वायरस से भरपूर होते हैं। एवरी जो प्रत्येक कुत्ता है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, कोई इसमें एक से प्रेजेंटेशन नहीं होता है। जो कुछ कुत्ते होते हैं वो आराम से खाते पीते रहते हैं, और कुछ कुत्ते आराम से नहीं खाते पीते हैं, वो डंप की तरह पड़े रहते हैं। अब जो मेन क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अगर किसी स्ट्रे एनिमल ने, किसी वाइल्ड एनिमल ने, मतलब किसी सड़क के या किसी जंगली जानवर ने आपके कुत्ते को काट लिया है, तो आप क्या करेंगे? तो मेरी राय में ये चीज़ अपने पास नोट करके रख लीजिए, मेरी वीडियो को सेव कर लीजिए, कि अगर कोई वाइल्ड या स्ट्रे एनिमल आपको काटता है तो अपने तुरंत अपने जो वेटरनरी डॉक्टर है उसको बुलाएं, या उसकी क्लिनिक पर संपर्क करें, अपने या तो वो उनको घर पर बुला लें, या आप अपने डॉगी को उनकी क्लिनिक पर ले जाएं और वो उसके बाद एग्जामिन करने दीजिए। जो घाव उसके डॉगी के बना है उसको वो अच्छी तरह बहते पानी में साफ कर देंगे, और उस पर पोविडोन आयोडीन एंटीबायोटिक लगा देंगे, जिससे कि जो वायरस जो स्ट्रे एनिमल के दांतों से उसको लगा है वो उसको साफ हो जाए, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। और उसके बाद वो डॉग को बूस्टर इंजेक्शन देंगे। अगर डॉग में रेबीज के सिम्टम्स आ रहे हों तो उस टाइम हमको बूस्टर इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उससे एडवर्स रिएक्शन होगी और हमको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये किस वजह से रिएक्शन डॉगी में हो रहे हैं। जहाँ तक हो सके कुत्ते के घावों को खुद साफ ना करें, और जो जो वेट डॉक्टर को या वेट कंपाउंडर को, वेट नर्स को ये काम करने दें। अगर आपको करना ही है तो आप हमेशा ग्लव्स पहन के करें, क्योंकि जो एनिमल है, जो आपका डॉग है, उससे इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक डॉगी में अलग सिम्टम्स होते हैं, कुछ तो पानी पी सकते हैं, कुछ पानी नहीं पीते हैं, और कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, तो इसलिए ये कोई सिम्टम नहीं है कि आप, या पागल होने से ही केवल आप रेबीज की डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं। अब इसके बाद इसकी आप डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है आज की तारीख में जिससे कि हम ये टेस्ट कर सकें कि डॉग को रेबीज है या नहीं है। डॉग को सेक्रीफाइस करने के बाद उसके जो अगर माइंड की हम बायोप्सी करते हैं उससे ही हम मालूम कर सकते हैं कि इसको डॉग को रेबीज है या नहीं है। डॉग को अपने अगर आप घर पर रखते हैं तो उसका वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, और जिस समय आपको कुत्ते ने काटा है या आपके घर को, घर में किसी मेंबर को काटा है, कुत्ते की एज है जो 1 साल से ऊपर की होनी चाहिए, जब कुत्ता 3 साल का हो उसके बाद उसको वैक्सीन लगी हो, कम से कम 2 डोज लगी हुई हो जिनमें 6 महीने का अंतर हो। ईयरली वैक्सीनेशन अगर आप डॉगी को घर पर रखते हैं तो आपको कराना चाहिए। वैक्सीन का भी ध्यान दें, वैक्सीन जो आपके डॉगी के पास जो आप लगा रहे हो वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, कोल्ड चेन उसमें मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप इन चीज बातों का ध्यान रखेंगे तभी आप अपने डॉगी एक सेफ एनवायरनमेंट में डॉगी के साथ रह सकते हैं। अब मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हाउ कैन वी प्रिवेंट रेबीज इन डॉग्स, हम डॉग्स में रेबीज होने को कैसे बचाएं? तो इससे बचाने का सिर्फ एक तरीका यही है कि अपने डॉगी को आपको ध्यान रखना है कि उसको कोई स्ट्रे एनिमल के पास नहीं जाए और उसको काटे नहीं। अगर आप डॉगी को अपने बाहर ले जाते हैं, सड़क पर ले जाते हैं, पार्क में ले जाते हैं या कहीं और ले जाते हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी दूसरा कुत्ता उसको न काटे, और अगर उसको काटता है तो इसमें वेट क्लिनिक ले जाएं और उसको वैक्सीन लगवाएं, और जो जैसे मैंने पहले बताया उन सभी नियमों का आप पालन कराएं। अब लोग पूछते हैं कि डॉग के काटने के बाद हम उसका आदमियों में ट्रांसमिशन रेबीज का कैसे रोक सकते हैं? तो इसलिए अगर एक कुत्ता कभी भी काटता है आपका, चाहे वो घर का कुत्ता हो या बाहर का कुत्ता हो, तो आपको पूरी वैक्सीन लगवानी चाहिए और इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगवानी चाहिए अगर कैटेगरी 3 का घाव है। इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई है घाव की कैटेगरी के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। रेबीज से बचने के लिए आजकल 5 इंजेक्शन लगते हैं, ऊपर डेल्टॉइड यहाँ पर लगते हैं,
डेल्टॉइड मसल में हाथ की मसल्स में लगते हैं, जो 0, 3, 7, 14 and 28 डेज पर। अगर आप घर में कुत्ता रखते हैं तो आपको अपने डॉगी को वैक्सीनेशन देना चाहिए। और मेरे हिसाब से, मेरी जो पर्सनल एडवाइस है कि आप सब लोगों को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के इंजेक्शन लेने चाहिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है वो पहले दिन लगती है, 7th डे लगती है और 21 या 28 डेज पे लगती है। 3 इंजेक्शन इसके लगते हैं, इंट्रामस्कुलर लगते हैं और डेल्टॉइड मसल्स में लगते हैं। हमको ये नहीं मालूम है कि किसके कुत्ते के काटने से रेबीज होगी या नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखकर हम अपने आप को रेबीज होने से बचा सकते हैं। अगर आपके इंजेक्शन लगा हुआ है, अगर आपने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के रेबीज इंजेक्शन वैक्सीन के लगवा रखे हैं, तो आपको कुत्ता काटने पर केवल 2 इंजेक्शन लेने होंगे, 0 और 3rd डे पर। वो भी आपके हाथ में डेल्टॉइड मसल में लगेंगे। तो एक छोटी सी सावधानी रखकर आप अपने आप को बचा सकते हैं। अगर आपके कुत्ते के रेबीज के इंजेक्शन लगे हुए हैं, वैक्सीन लगी हुई है, तब भी आपको इंजेक्शन लगाने बहुत ज़रूरी हैं। रिमेंबर माई वर्ड्स, रेबीज 100% फेटल डिसीज़ है, लेकिन हम इसको सावधानी रखकर 100% इससे बच सकते हैं। एंड द ओनली प्लस पॉइंट इज क्विक एक्शन। अगर आपको जरा भी कुछ शक हो रहा है या कुत्ते काट रहा है तो उस पर क्विक एक्शन लीजिए। बैठे मत रहिए, सोचा विचार ही मत करिए और 10 लोगों से पूछने की जगह तुरंत एक्शन लेके अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। मैंने इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी वीडियो बनाई है, उन सबको देखिए। और एक लंबी वीडियो बनाने की जगह मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको इनको समझने में और सुनने में परेशानी ना हो। थैंक यू।